बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल तरह की यहनी पुलाव आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ और इसमें हम थोड़ा सा बिरयानी का टच भी देंगे। तो बहुत से काम आज होने वाले हैं, आपने क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg बीफ और 1 kg ही हमने राइस लिए हैं। राइस को हमने भिगो दिया है और यहाँ पे हमने दही लिया है, बहुत से गरम मसाला जात लिए हैं। तो आइए वीडियो को तफसील के साथ देखते हैं। प्रेशर कुकर में हमने डाल लिया है बीफ, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम डाल देंगे सूखा हुआ धनिया, 3-4 छोटी इलायचियाँ और 3-4 बड़ी इलायचियाँ, साथ में दालचीनी का एक पीस, और साथ में हम 3 तेज पत्ते इसमें डाल देंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए। अब इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। इसमें आप साबुत ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसे जस्ट यहनी बनानी है। तो यहाँ पे ये लौंग के 7 से 8 पीस डाल देंगे हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 से 1.5 चम्मच, गोश्त के हिसाब से जितना गोश्त होगा उतना, और 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च पिसी हुई डाल देंगे। यहाँ पे खड़े मसाला जात भी यूज़ हो सकते हैं। और अब हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि गोश्त अच्छे से डूब जाए और थोड़ा सा ज़्यादा हो। आप 2 गिलास या 2.5 गिलास पानी के यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे यहनी भी तैयार करनी है और उन्हीं यहनी में ही हमारे जो राइस हैं वो पकेंगे और टेस्ट आएगा। कुकर को हमने पकाना है, यहाँ पर रखना है कोई 20 से 25 मिनट, और वेट लगा के हम अब वेट करेंगे 20 से 25 मिनट। ये लें जी, टाइम हो गया है। अब हम इसके वेट उठाएंगे और चेक करेंगे हमारा गोश्त जो है वो कितना गल चुका है। माशाल्लाह से आई थिंक ये ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुका है। अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद भुनना भी है, पकाना भी है। तो अब हम इसमें से ये चेक करके बोटियाँ के ठीक हो गई हैं, इनको निकालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप ऑयल, और अगर गोश्त में ज़्यादा चर्बी हो तो हम कम ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें 2 हम कटे हुए प्याज डालेंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे लाइट ब्राउन करने तक। बहुत ज़्यादा जला नहीं लेनी वरना राइस का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और अब हम इसमें जो हमारा मीट है उसको डालेंगे। यहनी यहाँ पर नहीं डालनी, जस्ट जो बोटियाँ हैं उन्हीं को डालेंगे। और यहाँ पर जो बोटियों को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा मसाला जात का। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भुनेंगे और अभी इसमें हमने बहुत से और मसाले डालने हैं, तो आपने ध्यान से एक एक चीज़ को नोटिस करते रहना है। इसे हम यहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि गोश्त का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और गोश्त का जो रियल फ्लेवर होता है वो निकल आए। चलें जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए 2 टमाटर। टमाटर जो है हमारे पुलाव में बहुत ही खट्टा खट्टा फ्लेवर लेके आएंगे और बहुत ही मज़ेदार और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको डाल के थोड़ा सा भुनेंगे ताकि ये अपना थोड़ा सा इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई 3 अदद। इसको आप 4 या 5 भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मुझे पसंद है, मैं ये 3 डाल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कुछ देर पकाएंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे 1 बॉल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना ना ही कम डालना है, इससे हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही जूसी हो जाएंगे और उनमें और खट्टा खट्टापन आ जाएगा। और यही आज की हमारी रेसिपी का सीक्रेट है कि हमारे जो राइस होंगे वो बहुत ही जूसी होंगे और उनमें खटास का आंसर भी होगा। इसको अब हम पकाएंगे थोड़ा सा और 3 से 4 मिनट। आगे इसमें हम बिरयानी का मसाला भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए पुलाव। 1 चम्मच या 1 चम्मच से कम नमक डालेंगे और ये कुटी हुई लाल मिर्च है सूखी, वो 1 चम्मच डालेंगे। अब एक पूरा जो हमने है ना शान का बिरयानी का ये पैकेट, ये डालना है। तो याद रखिएगा हमारा एक केजी गोश्त है और 1 केजी ही राइस है, उस हिसाब से मैंने 1 पैकेट डाला है। तो आप भी 1 पैकेट ही डालिएगा, कम या ज़्यादा नहीं। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं अच्छे से गोश्त के ऊपर लग जाएं और जो फ्लेवर है वो मीट के अंदर तक चला जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। और अब हम इसमें जो हमारे ये तेज़ पत्ते हैं इसको निकाल देंगे, इन्होंने अपना काम कर दिया है और ये राइस में अच्छे नहीं लगते दिखने में, और वैसे भी अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें कि जो भी आप रेसिपी, जो भी आप डिश तैयार करें उसकी खूबसूरती में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी।
तो अब 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमने जो यहनी थी हमारी माशाल्लाह से वो सारी इसमें डालेंगे, जिसमें से बोटियाँ निकाल के हमने इसमें डाली थी। और अब इस यहनी के जो ये यहनी है सारी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उन्हीं मसालों में जो हमने डाले हैं, ताकि ये सब एक जान हो जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको कुछ देर के लिए पकने देंगे, 5 से 7 मिनट तक। ये लें जी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यहनी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम इसमें 4 से 5 जो है लेमन का जूस डालेंगे। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ जो है हमारी जो पुलाव है उसके टेस्ट को बढ़ाएगी। अब ये हमने तकरीबन 15 मिनट पहले जो राइस है उनको पानी में डुबो के रखा हुआ था, ये 1 kg राइस है, और इसको इस यहनी में डालेंगे। तो ये चावल जो है सारी यहनी का जो फ्लेवर है वो अपने अंदर सूख लेंगे और बहुत ही खुशबूदार इनका फ्लेवर हो जाएगा। तकरीबन हमने हल्दी नहीं इसमें डाली, हल्दी आपने बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मसालेदार रखना है। हल्दी का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा मडी होता है, लेकिन हमने इस पुलाव को बहुत खुशबूदार तरह से बनाना है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही रखेंगे और बाद में चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, अब हमने इसको ना अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ध्यान से, चावल जो है टूटे ना, आपने कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह से आपने करना है। शुरुआत में मुझसे ये गलती हो जाती थी, राइस टूट जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इंसान सीख जाता है। आप इन बातों को अभी से फॉलो कर लें तो ये इसलिए ज़रूरी होता है एक दफ़ा, ताकि ऐसा ना हो कहीं से राइस का टेस्ट फ्लेवर कम हो, कहीं से ज़्यादा हो। तो इसलिए एक दफ़ा ना इसको हम मिक्स कर लेंगे और बाद में इसको हम दम के ऊपर रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो है सारा मसाला मिक्स हो गया है और हमारे जो चावल हैं उन्होंने अच्छे से जो सारी यहनी है वो पी लिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कलर। तो ये है धनिया इसके ऊपर खुशबू के लिए और खूबसूरती के लिए। अब ये इसके ऊपर हम कलर डालेंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं देने। और अब हम जब भी दम पे रखना आपने तो तवे को रख के उसके ऊपर ही दम पे रखना है, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारी जो बिरयानी नीचे से है वो लगती नहीं है। और इस तरह से आपने कपड़े पे या पोने में लपेट के ऊपर इसका ढक्कन रखना है और ऊपर वज़न रख दें कोई भी चीज़। मेरे पास ये था तो मैंने ये रख दिया, ताकि इसकी जो गैसेज हैं, स्टीम है, वो बाहर ना निकले। और अब हमने इसको रखना है कोई 10 से 8 मिनट और अब हम चेक करेंगे इसको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी जो पुलाव है वो तैयार है। अब हमने इसको छुरी से इस तरह से एक दफ़ा हिलाना है सब चावलों को, क्योंकि ये ना ढीलियाँ सी बन जाती हैं अगर एक दफ़ा इनको ऐसे ना किया जाए तो। तो बड़ा चम्मच नहीं आपने यूज़ करना, उससे राइस टूट सकते हैं। इस वक्त राइस जो है वो बिल्कुल बहुत नरम हालत में है, तो एहतियात के लिए मैं ये छुरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा करने से ये होता है कि ये जो सारे चावल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो गोल गोल ढीलियाँ सी बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इस वक्त जो खुशबू है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ, शायद पूरे मोहल्ले में इसकी जो खुशबू है वो फैल चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पर आपने वही बात, सफाई का ख्याल रखें, खूबसूरती का ख्याल रखें, बेतुके तरीके से ना डालें कि कोई चीज़ इधर गिर रही है, कोई उधर गिर रही है। अपने हर काम में एक आर्ट को शामिल करें, खूबसूरती को शामिल करें। तो ये ले माशाल्लाह जी, हमारी जो पुलाव है बिरयानी के तज के साथ वो तैयार है, बहुत खूबसूरत दिखने में भी, और खुशबू तो आप पूछिए मत कितनी खूबसूरत आ रही है। दुआओं में याद रखें, ऐसी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अब इजाज़त दीजिए इजाज़ को, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।